नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी। तो लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसी चुनावी माहौल में बीजेपी की संभावनाओं को लेकर जनता टीवी के आउटपुट हेड साकेत सुमन ने छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह से खास बातचीत की, आइए सुनते हैं। चुनाव को लेकर के लगातार सरगर्मी और तेज होती चली जा रही है और आगे आने वाले कुछ चरणों के चुनाव के बाद परिणाम सामने आने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, हर राजनेता की नब्ज तेज चल रही है। हर कोई ये चाहता है कि परिणाम उनके पक्ष में आए। इसी परिणाम को लेकर और उसके आकलन को लेकर के इस वक्त एक खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की संभावनाओं को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद जी। सर, सबसे पहले तो यही जानना चाहूंगा कि इस लोकसभा चुनाव में अभी तक के चरणों को देखकर आपको क्या लग रहा है, बीजेपी की संभावनाएं किस तरीके से प्रबल है? मुझे लगता है कि 17वें लोकसभा के गठन की तैयारियां करीब करीब हो चुकी हैं। 5 चरण के मतदान भी हो चुके हैं और 5 चरण के मतदान के बाद सिर्फ 118 लोकसभा सीट बाकी है, जिसमें मतदान 6वें और 7वें चरण में होना है। एक बात स्पष्ट हो चुका है, इस चुनाव के 5वें चरण के अभियान के बाद जो अभियान चला है मोदी जी के नेतृत्व में, स्पष्ट है कि इस 5 चरण में ही भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिल चुका है। अगले चरण में तो इसको आगे बढ़ाने की तैयारी है और देश का पूरा जनमत एक बात में सहमत है कि मोदी जी के नाम से, मोदी जी के काम से पूरे देश में एक वातावरण का निर्माण हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में देश की जनता है। पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। अब इसमें देश में किसी को भी शंका नहीं और आम आदमी कहीं भी किसी से भी पूछ लें तो सबके मन में ये बात है कि अगला 2019 में फिर से एक बार मोदी सरकार। विपक्ष लगातार ये कह रहा है, बेशक 2 चरण बाकी हो लेकिन अभी भी उनके एजेंडे में ये शामिल है कि बीजेपी अपने काम के नाम पर वोट नहीं मांग रही, वो वोट पाकिस्तान के नाम पर अभी भी मांग रही है। क्या 5 साल में कोई ऐसी स्थिति नहीं रही कि आप काम के नाम पर वोट मांगें? नहीं, भारतीय जनता पार्टी का पहला लक्ष्य यही रहा और चुनाव घोषणा पत्र यदि देखेंगे तो हमने जो वादे किए थे गरीबों के लिए उसको पूरा करने का पूरा हिसाब देश की जनता के सामने माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। 8 करोड़ घरों में शौचालय का निर्माण, 7 करोड़ से ज़्यादा लोगों को गैस सिलेंडर देने का काम, 1.5 करोड़ से ज़्यादा आवास के निर्माण का काम मोदी जी ने किया और उससे बड़ी योजना आयुष्मान भारत योजना देश ने दुनिया की सबसे बड़ी योजना के रूप में दुनिया के सामने आया, जहां 5 लाख रुपए तक इलाज करने की सुविधा 50 करोड़ लोगों तक पहुंचने का अभियान है। इससे बड़ा अभियान क्या हो सकता है कि इस देश में करोड़ों लोगों के जनधन खाते खोले गए, इस देश में गरीबों के लिए जो योजनाएं बनी हैं उस योजना में गरीब, किसान, मजदूर सबको चिन्हांकित करके बनाया गया। हम विकास के नाम से मानते हैं मगर कांग्रेस ने पहले ही दिन से लक्ष्य बनाया और एक प्रकार से देश और देश हित के मुद्दा बनाकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को घेरने का मुद्दा किया। इसी प्रकार देशद्रोह कानून में संशोधन लाने की बात, सेना के अधिकार को कटौती करने की बात किसने कहा? कोई भारतीय जनता पार्टी चुनाव एजेंडा में नहीं था, उनके घोषणा पत्र में इस बात को चिन्हांकित किया, वहाँ से बात निकली और फिर मोदी जी ने कहा हाँ हम देश के लिए सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, देश की सुरक्षा, देश का गौरव, देश का सम्मान से बड़ी बात हमारे सामने कुछ नहीं हो सकता। ये अपने आप देश का मुद्दा बनता गया और लोगों को लगने लगा कि सुरक्षा भी एक बड़ा मुद्दा है। डेवलपमेंट तो मोदी जी से भरोसा लोग करते ही हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में डेवलपमेंट तेजी के साथ होगा और रफ्तार से डेवलपमेंट हो रहा है और पूरी उम्मीद इसी दिशा में है। तो ऐसा नहीं है कि हमने एजेंडा को बदला है, एजेंडा को डाइवर्ट करने का काम कांग्रेस ने किया था, मोदी जी ने उसको सही दिशा में लगाया। लगातार बयानों का भी सिलसिला तेज है। आज अंबाला में प्रियंका गांधी थी, उन्होंने दुर्योधन से तुलना प्रधानमंत्री की और कहा कि जो अहंकार एक दौर में दुर्योधन को था वही अहंकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हो गया। अब ये बात मुझे समझ में नहीं आता कि हम राजनीतिक दृष्टि से क्या कमेंट करते हैं, क्या हम बोल रहे हैं। राजनीति में कम से कम एक मर्यादा, प्रधानमंत्री जी के लिए हम क्या शब्द बोल रहे हैं इस बात की मर्यादा का पालन सबको करना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ कि हर व्यक्ति जिस प्रकार के आज राजनीति के गिरावट की ओर जा रहा है, कांग्रेस के प्रवक्ता जिस प्रकार बोल रहे हैं,
प्रियंका जी जिस प्रकार बोली, ये इसको मैं कहता हूँ छोटी मुंह बड़ी बात। छत्तीसगढ़ में लगातार आपने राज किया, इस बार विधानसभा के परिणाम पक्ष में नहीं आए, लोकसभा की सीटों को लेकर के छत्तीसगढ़ में क्या आकलन है? लोकसभा में मुद्दा राष्ट्रीय मुद्दे पर है। स्थानीय स्तर में मैं मान सकता हूँ कि एंटी इनकम्बेंसी और दूसरे फैक्टर थे जिसमें हम पिछड़ गए, मगर जब देश का मुद्दा आता है छत्तीसगढ़ हमेशा खड़ा होता है और छत्तीसगढ़ के मतदाता इसके लिए तैयार हैं मोदी जी के साथ जुड़ने के लिए। पिछली बार 11 में 10 सीट जीते थे, इस बार उससे हम बेहतर परिणाम देंगे और सभी सीटों में भारतीय जनता पार्टी की बढ़त रहेगी। आपने राष्ट्रीय मुद्दों की बात की तो लोग ये भी सवाल पूछते हैं कि कहाँ है वो 2 करोड़ रोजगार जो देने की बात की गई थी, तो रोजगार का एक इशू है, क्या आपको लगता है कि युवा मतदाताओं पर इसका कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा? नहीं, रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए जितनी परियोजना बनी, आप देखिए नेटवर्क सड़कों का जाल बिछाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया, गडकरी जी की परियोजना पूरे देश में चल रही है, सड़कों का जाल बिछ रहा है। रोजगार के अवसर करने का अवसर होता है जब हम बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाते हैं। आज करोड़ों घरों में बिजली पहुँचा, 1800 घर में इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हुआ। जब बिजली पहुँचता है रोजगार अपने आप पहुँचता है, रोजगार के अवसर मिलते हैं। इंडस्ट्री में और दूसरे क्षेत्रों में जो ग्रोथ हुआ है तो ये ऐसे अवसर प्रदान करते हैं। कौशल उन्नयन एक बड़ा लक्ष्य लेके प्रधानमंत्री चले हैं, हर जगह स्किल अपडेशन में करोड़ों बच्चों को स्किल अपडेशन में काम कर रहे हैं। मुद्रा बैंकिंग के नाम से आज जो फाइनेंस हुआ है बिना किसी गारंटर के, उससे आप देख सकते हैं कि हिंदुस्तान के उन गरीब बच्चों को 10 करोड़ लोगों को सहारा मिला, अवसर मिला, अपने व्यवसाय प्रारंभ करने में सफलता हासिल की। तो कहीं ना कहीं रोजगार से जुड़ा हुआ विषय प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता रही है और उस प्राथमिकता को आगे बढ़ाया जी। अगर हम मैनिफेस्टो की बात करें रमन सर, तो जिस तरीके से कांग्रेस ने कहा कि अब न्याय योजना वो लेकर के आ रहे हैं, 72,000 सालाना की बात उन्होंने राहुल गांधी ने कर दी है, क्या ये न्याय योजना भारतीय जनता पार्टी के लिए किसी भी तरह से कोई परेशानी वाली बात है? मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस के झांसे में आने वाली है देश की जनता। याद से नहीं, गरीबी हटाओ का नारा पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी तक दोहराते रहे हैं। गरीब और गरीब होता गया, गरीब और ज़्यादा परेशान होता गया। आज गरीबी की इतनी बुरी हालत है कि कांग्रेस ने इस पूरे दौर में 55 साल राज करने के बाद भी गरीबी में कोई परिवर्तन नहीं आया। फिर से एक बार वोट की राजनीति के लिए झांसा देने का प्रयास कर रहे हैं और लोग बोलते हैं कि आपको जब अवसर मिला तो आपने कुछ नहीं किया। सिर्फ चुनाव घोषणा से कुछ नहीं होता, प्रधानमंत्री जी पर लोगों को विश्वास है जी। प्रधानमंत्री ने अभी एक रैली में भी इस बात का जिक्र किया और कांग्रेस को एक ओपन चैलेंज भी दिया कि अगर कांग्रेस में दम है तो वो पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी के नाम पर अगले 2 चरण में चुनाव लड़ करके दिखाएं। आपको लगता है कि कांग्रेस ना तो वर्तमान और ना ही इतिहास कुछ ऐसा रहा है जिसके दम पर कांग्रेस लड़ पाएगी? कांग्रेस को की हालत क्या है, देश की सबसे बड़ी राजनीतिक दल, ऐसा राजनीतिक दल जिसने 55 साल लगातार इस देश के अंदर शासन किया है, ऐसे दिन देखने पड़ रहे हैं कि आज उनके 40-42 सांसद हो गए, राज्यों में उनकी सरकार धीरे 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 करके चली गई, एक विपक्ष के दर्जा भी इस लोकसभा के अंदर उनका समाप्त हुआ। ऐसी हालत क्यों हुआ, क्यों देश के सबसे बड़े राजनीतिक दल को इस स्थिति में पहुँचाया है? ये कांग्रेस की नीति रही है, कांग्रेस के कार्ययोजना रही है जिससे लोगों का मन उससे अलग हुआ है और आज उसी स्थिति को और आगे बढ़ाकर उनकी नेता इस प्रकार के बयानबाजी कर रहे हैं कि कांग्रेस का ये चुनाव सबसे कठिन और सबसे खराब चुनाव होगा और निश्चित रूप से इस चुनाव में देश की जनता का मोदी जी के नाम से पूरा सहयोग और समर्थन मिलेगा, कांग्रेस बहुत पीछे जाएगी। आपसे सर लोग भी मिलते हैं, लोगों की भी बात आप सुनते हैं, सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं आम लोग भी मिलते हैं, उनके जहन में 2019 का एजेंडा है क्या सर, किस चीज़ को लेकर के वो अगर बीजेपी को वोट करेंगे तो किस चीज़ को लेकर के, अगर बीजेपी के साथ अगर वो नहीं जाएंगे तो किस चीज़ को लेकर? बीजेपी का विकल्प इस देश में नहीं है, मोदी जी का विकल्प इस देश में नहीं है, विकास का विकल्प इस देश में नहीं है। कार्ययोजना जो बनाई है अंतर्राष्ट्रीय स्तर में भारत का मान सम्मान गौरव बढ़ाया, देश की सुरक्षा को मजबूती प्रदान किया, मोदी जी ऐसे नेता है जिसके अंदर हौसला है, हिम्मत है, काम करने की ताकत है। केवल सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक की बात मैं नहीं कहता, पर इस देश में बड़े निर्णय लेने की क्षमता, एंटी सैटेलाइट मिसाइल का परीक्षण करने की ताकत और दुनिया को बताना, और पाकिस्तान को कूटनीतिक विजय कैसी हो सकती है पाकिस्तान के ऊपर, हमने तो पिछले 40-50 सालों में नहीं देखा कि पाकिस्तान को किस स्तर तक
पूरे दुनिया से अलग करने के राजनीति में सफल हुए हैं। आज पाकिस्तान के साथ दुनिया का कोई देश खड़ा नहीं है, चाइना भी है तो आधे मन से है। पूरे के पूरे दुनिया और दुनिया के सारे देश आज हिंदुस्तान के साथ हैं। मोदी जी की कूटनीतिक सफलता है, आंतरिक और बाह्य सफलता, ये मोदी जी की निश्चित रूप से चुनाव में आम आदमी को प्रभावित करे। हरियाणा के हिसार में आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल थे, उनका ये कहना है कि मोदी जी राष्ट्रभक्ति के नाम पर वोट मांग रहे हैं और असल में अगर कोई राष्ट्रभक्त है तो वो अरविंद केजरीवाल है। केजरीवाल की राष्ट्रभक्ति दिल्ली और दिल्ली तक सीमित रहती है। चुनाव के लिए कुछ भी घोषणा करके, और आज दिल्ली में उनकी खुद की हालत ऐसे होगी कि पिछले बार की तरह 7 में 7 सीटों में भारतीय जनता पार्टी आ गई है। केजरीवाल को लोगों ने देख लिया, अजमा लिया, लोगों का भ्रम टूट चुका है। कैसे कैसे वादे करके, कैसे कैसे बड़ी बातें करके सरकार में आए थे, मगर सरकार चलाने में जितनी असफलता मिली है तो मुझे नहीं लगता केजरीवाल की बड़ी बातों पर भ्रम पर लोग आएंगे। जैसे सर अभी 3 प्रदेश का हम जिक्र कर रहे हैं जहाँ पर कांग्रेस जीत करके सामने आई विधानसभा चुनाव में, वहाँ पर कर्ज माफी की बात हुई सामने, आपको लगता है किसानों के लिए ये कर्ज माफी का जो एक फैक्टर है वो बहुत बड़ा फैक्टर है और इस पर चुनाव जीता भी जा सकता है और हारा भी? देखिए, विधानसभा में प्रभाव तो डाला और नहीं डालता तो ये रिजल्ट जो हम देख रहे हैं नहीं आता। मगर कर्जा माफी करने के बाद जब अपनी घोषणा से जैसे यू टर्न लिया है, जितनी घोषणाएं कांग्रेस के 3 राज्यों में की गई थी उसके विपरीत उनका आचरण हो रहा है। वित्तीय कुप्रबंधन का शिकार हुआ है और वादों के विपरीत काम हो रहा है। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता लगा है और इन राज्यों में जैसे हम 2014 में रिजल्ट लिए थे वैसे ही हम 2019 में रिजल्ट लेंगे। कुछ वादे सर ऐसे थे आप लोगों के जो 2014 के मैनिफेस्टो में थे, जिसमें राम मंदिर का भी जिक्र था, जिसमें 370 का भी जिक्र था, उन मुद्दों को लेकर भी जनता सवाल पूछ रही है कि आखिर इस पर बीजेपी ने क्या किया? नहीं, हमारा स्टैंड आज भी वही के वही। हमने कभी नहीं कहा कि राम जन्मभूमि में और मंदिर का निर्माण उस स्थल पर नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट मत है, सोच है और हमारा कमिटमेंट है। हमने इस बात को पूरी मजबूती से कहा है कि राम जन्मभूमि और मंदिर का निर्माण तो होना ही है, उसको कोई टाल नहीं सकता। और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से 2019 में हम उस लक्ष्य को पूरा करेंगे। 2 तरह से हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाए या फिर आम सहमति बनने की इंतजार है और प्रधानमंत्री जी ने इसको बहुत साफ शब्दों में कहा है। जी, ये खास बातचीत हमने की रमन सिंह जी से, जिनका सीधे तौर पर कहना है कि संभावनाएं इस वक्त बीजेपी की ही है क्योंकि बीजेपी का और नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प नहीं है। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो इसी के साथ हमारे इस पेशकश में अभी के लिए बस इतना है। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल।